टाइम 9:30 हो गया, हम दोनों अभी निकल रहे हैं। गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग, हम लोग अभी निकल रहे हैं, चलिए मिलते हैं वहीं पर, क्योंकि लेट भी हो रहा है। तो ये बैग लेके जाएंगे, इसमें लड्डू लाएंगे, तिरुपति लड्डू। दोनों कुछ खाए भी नहीं अभी, पूजा खत्म होने के बाद। पूजा मतलब दर्शन खत्म, दर्शन खाई बोल रहे थे नहीं खाएंगे अभी, बोल रहे खा लेंगे ना। मंदिर कोटा पिंटू आके हम लोग पहुंच गए हैं तिरुमाला में। जैसे कि आपको पता है, ये भगवान जहाँ पे पूजा पाते हैं, जहाँ पे मंदिर है, उसको तिरुमाला बोलते हैं, और नीचे जहाँ पे रहते हैं वो तिरुपति है। तो घाटी है, घाटी उठ के आना पड़ता है, ये है एंट्रेंस। तो मैक्स टू मैक्स आपको 30 to 45 minutes लगेगा, 45 में हो जाएगा ये, या आप 50, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट्स ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये भीतर का बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि इसके अंदर शॉपिंग भी है, छोटा मोटा जितना भी खिलौना वगैरह जो कुछ है। मैं भी कुछ लेके आई थी तो आपके साथ शेयर करूँगी घर में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और मुंडन होते हैं, कोई साइड में मुंडन भी होते हैं, जिनका कोई मन्नत मांगे होते पहले से, तो वो मानसिक पूरा करने के लिए वहाँ पर मुंडन होते हैं। और खाने पीने का भी बंदोबस्त है, सारा सब कुछ है। तो बहुत बड़ा जगह है आपको घूमने के लिए, थोड़ा पेशेंस भी चाहिए, और साइड में भी बहुत पूजा भी होते हैं भगवान। तो मुझे पहले पहले पता नहीं चला कि कहाँ पे है मंदिर, तो मैं पिंटू को पूछ रही थी मंदिर कौन सा साइड है। तो मुझे, मैं बहुत छोटी थी जब आई थी, तो मुझे कुछ भी इतना याद नहीं है, खाली इतना ही याद है। तो पैसा कैसे अलग अलग करते हैं, तो वही एक चीज़ है मेरा आँख में आज तक आ रहा है, तो और कुछ भी याद नहीं है। जब मैं, हम लोग आए थे तो थोड़ा ढूंढना पड़ा इधर उधर का। पिंटू बहुत बार आए हैं लेकिन फिर भी थोड़ा कन्फ्यूज था, क्योंकि होता है ना, चेंज चांस कुछ कुछ हो जाता है। और यहाँ पे धूप कुछ भी नहीं लग रहा था, ठंडा जगह था। और तिरुपति में आप बोलिए मत, बहुत गर्मी था यहाँ पे। तो अच्छे से हम लोग घूमे थे लेकिन मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। एक तो 3 घंटा आसपास, 3 घंटा ही होगा लाइन में खड़े रह के करना पड़ता है। और इसके बाद हम लोग ऊपर से कुछ खाए नहीं थे, पिंटू थोड़ा पानी पिए थे, बोल रहे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं खाए, थोड़ा पानी पिए थे। मैं कुछ भी नहीं खाई थी 3 बजे तक, तो इसीलिए मेरे पेट में थोड़ा गैस हो के बहुत मुझे प्रॉब्लम हुआ, तो मैं इतना घूम नहीं सकी। तो ये देखिए, ये है लाइन। तो ये हम ढूंढ ढूंढ के यहाँ तक आए, फिर मोबाइल भी अलाउड नहीं था, कुछ कुछ चीज़ ढूंढना पड़ा, शू स्टैंड भी 2-3 था, तो कहाँ पे रखेंगे वो भी देख के। सारा चीज़ ख़त्म करने के बाद हम लोग आए थे। ये देखिए आम है, आम को जो क्या सल डाल के, मसाला डाल के देते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी खाई थी यहाँ पे नहीं खाई थी, तिरुपति में खाई थी। तो ये है अंदर जाने का रास्ता, जहाँ पर आपको लाइन लगाना है। तो ये रास्ता एकदम ठंडा था, बहुत बढ़िया था। तो हम जा रहे अभी अंदर, तो इसके बाद मैं वीडियो नहीं बना सकूंगी, लास्ट में बनाऊंगी जब खत्म होने के बाद दर्शन। थक गए एकदम, 5:25 हो गया। चलो 3 घंटा खड़े हो के, फिर लाइन लगा के दर्शन करके अभी आए हैं बाहर। खापी के बाहर नहीं, मंदिर के अंदर है, लेकिन सब जगह में लाइन करो, एकदम थक गई। और मेरा इतना हेडेक हो गया, उल्टी भी हो गया। तो यहीं पे मैं कुछ देख रही हूँ अभी, कुछ देख के फिर चलते हैं बाहर। बहुत टाइम हो गया, बहुत टायर्ड भी लग रहा है, मेरा हेडेक स्टार्ट हो गया, इसलिए मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा देखने के लिए। आप देख सकते कितने, क्या हुआ, इधर घूमाए फिर इस तरह, इतना लोग यहाँ पे, लोग कभी छोड़ते नहीं है। Thank you.
ये है इवनिंग का नज़ारा, देख सकते हो आप कितना सुंदर लग रहा है, सारा लाइट्स ऑन हो गया। और किसी को भी देखो फोटो खींचते रहते हैं, हम लोग भी बहुत खींचे लेकिन अच्छा नहीं आया, घूम घूम के मुँह का हालत एकदम खराब हो गया। पिंटू कहीं इधर उधर घूम जाते हैं, मैं किसी और का हाथ पकड़ लेती हूँ। अच्छा लग रहा है इधर ऊपर ना, नीचे हमारा रूम है, नहीं तो मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ओहो पिंटू देखिए मुझे कितना पकड़ा के कितना आराम से घूम रहे। लग रहा है जी, और इतना भीड़ है ना, ऐसे नहीं कि शाम हो गया तो भीड़ खत्म हो गया, तो बहुत भीड़ है। ओह और मैं ये दुपट्टा रख दी, एकदम इरिटेट लग रहा था, पूजा करते टाइम हो गया ना तो दिन में रख दी इसको। और चलिए अभी कुछ खा लेते ही, मंदिर के अंदर जो है बहुत अच्छा अच्छा खाना है तो देखे थे, चलते खा ले। मेरा तो एक बार उल्टी हो गया, मतलब गैस हो के पेट में, जैसे कि क्या हुआ हेडेक हो के, मेरा हेडेक स्टार्ट हुआ तो उल्टी, तो वोमिटिंग करके अभी थोड़ा पानी पी के बैठी हूँ। अभी नहीं हो गया कुछ टाइम, कोल्ड ड्रिंक्स थोड़ा पी ली और कुछ इतना खा नहीं पाई। यहाँ पे दे रहे थे जो क्या राइस सांभर और कुछ कुछ दो तीन टाइप का दिए थे तो अच्छा लगा, लेकिन मेरा खाने के बाद उल्टी हो गया, तुरंत उल्टी हो गया, तो एकदम टायर्ड। चलते हैं अभी, और काल भी है मंदिर जाएंगे, और नीचे जो मंदिर है कल वही मंदिर जाएंगे, फिर कल शाम को, फिर कल हाँ शाम को वही रात 8:30 ऐसे कुछ है ट्रेन, तो रात को फिर निकलेंगे। पिंटू बात कर रहे हैं फोन में तो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। और ये बैग भी लेके आए थे, तो ये बैग में एकदम लड्डू फूल है पिंटू के कुछ फ्रेंड्स के लिए और हम दोनों के लिए, पुष्पा के लिए, और किसी किसी को इसे देना है, तो लड्डू एकदम फूल है। ये तो बहुत भारी है। पिंटू शुरू हो गए हैं फ़ोन में, क्या कुछ ऑफिस कॉल आया है तो अटेंड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बैठ गई, पिंटू गए हैं कुछ लेके आएंगे, तो कुछ जैसे कि स्नैक्स टाइप का यहाँ पे सारे लोग बैठ के खा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखिए। तो इसलिए हम लोग भी खा लेते हैं, हम लोग देख के हंसते हैं, देखते हैं पिंटू क्या लेके आए हैं। दो लोग बैठ के खा रहे हैं, कितने मज़ा ले रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लगता है बैठ के खाने में, तो हम भी अभी अभी एंजॉय करेंगे।
तो ये हैं, इनका नाम मुझे याद नहीं है, सॉरी मैं आपको पूछना भूल गई। ये है मेरे एक सब्सक्राइबर, तो मैं वीडियो बना रही थी, उनको बहुत इंटरेस्ट था, वो पूछ रहे थे उनके तरफ से, तो मैंने भी बोल दिया उनको सब्सक्राइब करने के लिए, थोड़ा हाई भी बोल दिया उन्होंने। तो चलिए, बहुत अच्छे थे, उनका नाम भी मुझे पता नहीं है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नाम आपका ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो थैंक यू। तो चलिए हम अभी एंजॉय करते हैं। पिंटू लेके आए हो यहाँ पे, मैं आपको दिखा रही हूँ, आलू चिप्स जैसे है और आलू भंडा बोलते हैं इसको। तो चलो सारा ट्राई करना चाहिए एक बार, तो मैं ये खा के आपको बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। पहले मैं इसको बता रही हूँ खा के, इसके अंदर कोई टॉपिंग्स नहीं, जैसे पकौड़ी होता है ना, पकौड़ी जैसे लग रहा है, तो चलेगा, अच्छा लग रहा है मुझे। पकौड़ी नहीं पिंटू, बड़ा जैसे लग रहा है, बड़ा जैसे लग रहा है। तो इसमें चटनी भी है नारियल का, और क्या टमाटर चटनी भी है, बैंगलोर में भी ऐसे देते हैं। है आलू, क्या कौन आलू इसके अंदर है स्टफिंग? नहीं नहीं आलू डाले, आलू चिप्स है, उसके ऊपर बेसन है, ये भी मुझे यम्मी लग रहा है। जाओ ऐसी रहा सबको भेजना, हमें घर की बात है। हाँ अशोक, खाली पैर में चल चल के पाँव दुखता है। तो यहाँ पे मेरा 3-4 सब्सक्राइबर मिले थे मुझे, तो जो कि बहुत अच्छे हैं, और बस दो के नाम मुझे पता है, जो छोटे बेबी थे दो, आगे मैं दिखाऊंगी। और एक सर थे जिनका नाम मुझे याद नहीं है, पूछने के लिए सॉरी बोलती हूँ अभी, वो भी मेरे सामने ही सब्सक्राइब कर दिए थे। वो मुझे पूछे थे कि ये देख देख के ट्राइपॉड कि आप ब्लॉगर हो, तो मैं हाँ बोली थी, तो वो मुझे मेरे चैनल इतना इंटरेस्ट पूछे थे कि आपका चैनल का नाम बोलो। तो सर आप देख रहे हैं तो आप भी प्लीज़ आपका नेम मेंशन कर दीजिएगा। और इसके बाद आप उनका वीडियो में कुछ बना नहीं पाई, वो मुझे थोड़ा अभी सॉरी लग रहा है। और वो जो छोटे बच्चे दो थे ना, उनका वीडियो आगे है, मैं आपको दिखा रही हूँ। वो इतना इंटरेस्टेड थे, इतना उनका फैमिली था, इतना अच्छा था ना, बहुत अच्छा लगा। शो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप सबको मेरे तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू। तो अभी हम लोग आके पहुंच गए, यहाँ पे हो रहा था एक तो 3-4 दिन से ये लगा हुआ था भगवान के, जैसे कि ये पानी के अंदर एक रथ बना के, रथ के अंदर भगवान है, ये चारों तरफ ऐसे घूमता है, कुछ बोलते हैं उनको, मुझे पता नहीं, वो स्पेशल था, तो भगवान का आशीर्वाद था, ये भी देखने के लिए हमको मिल गया था। तो मैं बहुत अच्छा लगा, और जितने भी बैठे थे वहाँ पे ना, सारे वीडियो कॉल कर रहे थे घर घर के लोगों को दिखाने के लिए। तो इतना एक्चुअली वहाँ पे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, आप देखिए चारों तरफ कितने लोग, इतना रस था ना, और घुसने के लिए हमको आधा घंटा लगा, बाहर ऐसे खड़े रहे, मतलब बैच बैच करके छोड़ते हैं, लेकिन जो अंदर जाते वो बाहर नहीं आते, इतना अच्छा लगता था। तो ये भगवान का आशीर्वाद था क्या, मुझे पता नहीं, ये हमेशा नहीं होता है, तो आप भी देख लीजिए, सबको ही भगवान का आशीर्वाद लग जाए। तो चलिए मैं देखती हूँ, बहुत इतना अच्छा लगा ना चारों तरफ, और भगवान का जो आलती होता है ना, वो भी सब दिखा रहे थे पंडित जी सब चारों तरफ, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। और एक रस्सी बांध के उसको चारों तरफ लोग देखिए जैसे कि घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 15-20 मिनट ऐसे रुक के 3 राउंड जैसे लगाया रथ, तो भगवान को चारों तरफ, तो हम लोग निकले वहाँ से। और ये जो रथ देखा, रथ है ना, रथ बोलते ना इसको, ये जो देखा अभी इस तरफ का, यहाँ पे याद नहीं रहता ये कौन सा हुए, मैंने आई तो जो भगवान के रथ देखे बहुत अच्छा लगा। तो ये अब भी टाइम हो रहा है कितना, 7:45 या 50 ऐसे कुछ हुआ है, और हम लोग डिनर करेंगे नीचे जाके, अभी थोड़ा कुछ स्नैक्स खा लिया। ओहो, पैर खा
ये रोज रोज नहीं होता ना, नहीं नहीं हाँ भगवान के कुछ होता है ओकेजन या कुछ मुझे पता नहीं, 3-4 days से चल रहा है ये ना, 13 तारीख से चल रहा था। ये जो रथ है पानी के अंदर रथ को सजा के बहुत बढ़िया लग रहा है, भगवान घूम रहे हैं चारों तरफ। और बिंदु है वो क्या है मंदिर? हाँ शायद ऐसा कुछ। बहुत अच्छा लगा, तो चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आपसे। तो ओके गाइस चलिए अभी 8 बज गया तो हम लोग जाके रूम में मिलते हैं। मैं सारा काम खत्म हो गया और अभी जाके फिर नीचे जाके खाएंगे डिनर करेंगे, तो चलिए मिलते हैं रूम में। बेंगलोर में इसलिए नहीं मिलता। तो ये थाली है, इसमें क्या क्या है पिंडू, टेस्ट कैसा है क्या? अच्छा अच्छा। और ये है वेज फ्राइड राइस, और एक का मंगवाए हैं और मशरूम मंचूरियन मंगवाए हैं, तो देखेंगे कैसा रहेगा वो। स्टील प्लेट इतना हमें खाने के बाद स्पून चाहिए। आ गया मेरा मस्त मंचूरियन, देखते हैं कैसा लगता है। बहुत लेट हो गया, एक्चुअली हम लोग खा के चले आए, उसको विंड चेंज कर रहे हैं और कुछ बोलने के हालत में नहीं हूँ मैं, अवस्था एकदम ढीला हो गया। दो स्लीपर ले आए, याद नहीं था तो लेके नहीं आए, और ये बैग में खाली बेडशीट ही फुल है, 5-6 बड़ा बड़ा बेडशीट लेके आ गए हम, 2 बड़ा है 4 छोटे सिंगल बेडशीट, 4 छोटे छोटे सिंगल बेडशीट है, क्योंकि ट्रेन में भी नहीं देते हैं तो ट्रेन में इसको बिछा के सोना पड़ा, और यहाँ पे भी डालेंगे, कोई भी जितना भी बड़ा हो जितना भी छोटा हो बेडशीट ना डालने से अच्छा नहीं लगता कैसे भी रूम हो।
तो देखिए दो बेडशीट यहाँ पे गिरा है, हम लोग सुबह थोड़ा थोड़ा सो गए थे। ओके गाइस चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में, अब कुछ नहीं है खा पी के तो आगे खाली सोना है। मुंह का हालत एकदम बिगड़ गया। बोलू क्या कर रहे हो? क्या क्या? ओके गाइस गुड नाइट, गुड नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग में। मॉर्निंग भी कल भी जाएंगे, मंदिर जाएंगे, यहीं पे जाएंगे तिरुपति में, पद्मावती माँ के पास जाएंगे। तो ओके गाइस चलिए सो जाते हैं, अब कुछ नहीं है। गुड नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग में।